जबरदस्त स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विवेक एजुकेट में। तो आज हम लोग इस चैनल में बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट ग्रुप ए वाले के लिए जो उनका सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो एक्चुअली में ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच आते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, ये तीनों ब्रांच को ग्रुप ए में रखा गया है। और जो इसके सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के बिल्कुल सेम है, 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो मैथमेटिक्स फर्स्ट है जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स फर्स्ट है। और सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। और थर्ड है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री है, केवल अप्लाइड केमिस्ट्री है। और जो फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है, जो फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है। और जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जो कि 30 मार्क्स का होता था पहले, लेकिन अब 70 मार्क्स का हो रहा है क्योंकि सिलेबस अपडेट हो चुका है और चेंज हो चुका है। इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स भी बदले हैं, कुछ टॉपिक्स भी बदले हैं और ये जो इतने चीज़ हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानिए कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री तो पहले से था ही, तो अभी भी ट्रिगोनोमेट्री है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पहले था तो ये भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। और जो हमारा थर्ड यूनिट है अलजेब्रा है, अलजेब्रा भी है। और जो हमारा जो एक फोर्थ यूनिट है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्सेस। और जो अब हमारा जो सेकंड जो है अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए आप लोग कि क्या क्या पढ़ना है। और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ से सिलेबस को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है अप्लाइड फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को दो चैप्टर कर दिया गया है, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। और क्या है सेकेंड चैप्टर में फोर्स है एंड मोशन है। और जो थर्ड चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी है। तो चेंजमेंट कुछ कुछ हुआ है। और क्या है रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है फोर्थ यूनिट में। और फिफ्थ यूनिट में क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। और सिक्स यूनिट में क्या है हीट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री की ओर। अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन से यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को दो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये एक ही चैप्टर में दोनों को कर दिया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग को। और जो हमारा सेकेंड यूनिट है वाटर के बारे में पढ़ना है, डिटेल से वाटर के बारे में पढ़ना है। और जो हमारा थर्ड है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और हमारा यूनिट जो फोर है ये है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड ल्यूब्रिकेंट। ओके, और जो फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको हम थोड़ा बता देते हैं। यूनिट वन है कम्युनिकेशन, इसका थियोरी है और प्रैक्टिस है, मीन्स आपको इसका लैंग्वेज लैब भी करवाया जाएगा। और सेकेंड यूनिट क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में आपको जानना है। और थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है रीडिंग के बारे में पढ़ना है। ओके, और जो फोर यूनिट है फॉर्मल रिटन स्किल के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ है बुक ऑफ ब्लेरी एंड ग्रामर। ओके, और हिंदी में भी है तो हिंदी में पार्ट बी है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में ही, पार्ट ए हो गया इंग्लिश का और पार्ट बी हो गया हिंदी का। तो हिंदी में क्या पढ़ना है संप्रेषण के बारे में पढ़ना है। और बहुत से ऐसे हिंदी उतना महत्व नहीं रखता है। ओके, और जो आपका अगला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उसमें आपको भी पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो पहला यूनिट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट में। और फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है। और क्या है फिफ्थ यूनिट में क्या है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। ओके, और इसी तरह हमारा जो सिलेबस है आपको हमने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, और जो हमारा मान लिए अगर आपको हम स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिक्स करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका पहले हम लोग टॉपिक जानेंगे कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सो थैंक यू, लव यू।